हमें इतने प्यारे मेहमान मिल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हैं और हैं इंडियन हैं। आपको सबसे अच्छा क्या लगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में लोग अच्छे लगे सबसे, सबसे अच्छे लोग, आपकी भाषा, आपका प्यार आपका प्यार, आपकी भाषा, उसपे बहुत मिठास है। रिकॉर्डिंग के दौरान हमने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का खाना हो जाए, और इस सर्दी में मछली के सिवा आपको कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। राशिद साहब, वन एंड ओनली राशिद साहब, फरा साहिबा, राशिद साहब मछली खाने क्यों आए हैं? सर्दी में मछली नहीं खाने तो कब, गर्मी में खानी है भाई? पर खाई जा सकती है, सर्दी में ज्यादा मजा आता है, सर्दी में। हाँ ये बात तो ठीक है राशिद की। और इस मछली की खास बात ये है कि ये पाकिस्तान बनने से भी पहले ये जो इनका आउटलेट था ये खुल चुका था, यानी 1935 में। तो सोचा कितनी स्पेशल मछली होगी। बात ये है कि इतना पुराना ये चल रहा है सिलसिला और कई ब्रांचेस बन गए, तो मेरी तो ये फेवरेट जगह है। तो आज मैंने कहा कि चले आए हम मच्छी खाते हैं, तो मच्छी खाने आ गए हम। तैयार हो रही है, क्या करे हारिस जी। ये राशि साहब हैं जो कि हर चीज का मुफ्त में क्रेडिट लेते हैं, और हम तो बस एक कोशिश है हमारी कि हो सकता है जगह जगह जाके कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए। लड़की नहीं मिल रही, बाकी जहाँ भी जा रहा हूँ यार। देखने वालों को भी हम बता देते हैं ये राशिद साहब हैं, और राशिद साहब की दुनिया तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इनके लिए हम लड़की भी तलाश करें। आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो आपने ज़रूर बताना है। रिक्वायरमेंट इनसे पूछ लेते हैं हारिस। रिक्वायरमेंट ये कहते हैं बस नया शख्स हूँ, ऐसे ही है, पता नहीं किस किस के फ़ोन आते रहते हैं। बंद करें, बंद करें, बंद करें, बंद कर दो मड़ी बाप। लड़की की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी? अच्छा मुझसे पूछो ना कि मेरी और लड़की ना कि तुम खूबसूरत हो, नए नक्शा आप जैसी, हाँ मुझे जैसी नहीं, मैं अच्छा खूबसूरत हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले मेरे जैसी मिल जाए, पर मुझे मिल जाए यार। लड़की भी ढूंढेंगे, अब मछली आएगी, मछली खाएंगे और कोशिश करेंगे। लग रहा है वो मेहमान जो जिनका हम इंतजार कर रहे थे उन्होंने खाना खा लिया और वो बाहर आ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात भी करते हैं, कुछ गप लगाते हैं, उन्हें पाकिस्तान कैसा लगा। बिल्कुल उनसे पूछेंगे कि वो सिख हैं और ऑब्वियसली इंडिया से उनका ताल्लुक होगा, सर मछली भी खाएंगे, उनसे भी गपशप करते हैं। ले जी हम तो मछली खाने आए थे हारिस, और यहाँ हमें इतने प्यारे मेहमान मिल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हैं और हैं इंडियन हैं। सर पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आए हैं? पाकिस्तान फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी मछली का इंतखाब क्यों किया आपने? हमारे गाइड लेके आए हमें यहाँ पे, कहते हैं लाहौरी बड़ी अच्छी मछली है यहाँ पे, और वाकई बड़ी अच्छी थी। 1935 से है ये, हम भी इसीलिए आज आए। आपको सबसे अच्छा क्या लगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में लोग अच्छे लगे सबसे, सबसे अच्छे लोग। ये सच है, ये प्यार है जो आवाम के दरमियान तो है, बस ये सियासतदानों ने दूरियाँ पैदा की हुई है। कोई शॉपिंग की अभी करने के लिए आए, बस खाएंगे और शॉपिंग करेंगे। क्या खरीदना क्या आप? सूट पाकिस्तानी हम आपको गाइड कर सकते हैं। कोई भी आप बताइए अच्छी चीज जो पाकिस्तान की हम याद कर पाए कि हाँ पाकिस्तान में लॉन कॉटन में तो फैब्रिक बहुत अच्छा मिलता है। आप क्या लेना पसंद करेंगे? हम थोड़े से अच्छे अच्छे सूट जो पाकिस्तान डाले तो लोग के यहाँ पाकिस्तान होकर आए हैं। लिबर्टी ले जाए। आपको क्या सबसे अच्छा लगा? आपकी भाषा, आपका प्यार आपका प्यार, आपकी भाषा, उस पे बहुत मिठास है, बहुत मिठास है। आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये हमारे भाई भी हैं साथ। आपको कैसा लगा पाकिस्तान? सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छी चीज, पीपल, बड़ी अच्छी बात है। फरापी ये हमें सुन के जितनी खुशी हो रही है, और लिटरली जब करतारपुर गए हम, गुरु नानक गए हम, पंजा साहब भी घूम के आए, आप सब लोग, तो सबका यही कहना होता है कि आवाम बहुत प्यार करते हैं। तो ये वहाँ से आए हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो सरहदों पे आपका कितना यकीन है? जब आए थे तो बहुत खौफजदा थे कि पाकिस्तान जा रहे हैं, बट जब लैंड किया यहाँ पे तो लगा था ये तो अपना ही मुल्क है। तो सर ये आपका अपना मुल्क है? अपना ही मुल्क है, तो हम एक ही। हाँ वो तो पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हुआ एंड जो भी है पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इंसान सब एक हैं, सिर्फ एक सियासतदान। सिर्फ लगा किसी और जगह आ गए हैं, कोई परदेश है, दिल में डर था वो नहीं है। अब पॉजिटिव मैसेज है हम पाकिस्तानियों के लिए भी, खासतौर पर फरा साहिबा, सिर्फ सियासतदानों ने एक दो दीवार खड़ी की हुई है ना बीच में, ये बस सियासतदानों का किया धरा है, और ये दूरियां उन्होंने ही पैदा की हैं, वरना तो क्या से क्या हो जाता। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, घूमे फिरे हमारे पाकिस्तान को, एक्सप्लोर करें, हमारी तरफ से बहुत मोहब्बतें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हमको इन्होंने बोला हम सारे की फोटो, सब हमको भी थोड़ी इम्पोर्टेंस मिल रही है।
यस। इसलिए बोला कि मुझे इसलिए ऐसे ही है ना यार, मैंने कहा चलो मुझे साथ में ड्रॉप मिल गया, ये बात समझा। ये बड़ा तेज आदमी है, ये चटनी चेक करो, इनकी चटनी चेक करो। अच्छा पहले चटनी का बाउल में क्या करते थे, अब इन्होंने ये बड़ी बड़ी बॉटल्स बना के रख दी खुद ही। अब उनको ये लगा शायद पाकिस्तानी खाते बड़ा है ना। चले जी राजी साहब करें टेस्ट, शुरू करें। बिस्मिल्लाह, आप नहीं पहले रह रही खाएं। चलो जी राजी साहब, बाजी पहले आप। नहीं पहले बाजी, पहले आप। बाजी पहले आप। इस तरह मेरा खाना ठंडा हो जाएगा और फिर मेरा ख्याल है मैं आप सबसे बड़ी हूँ। बिल्कुल मैं ही। आप शुरू करें जी फरहान जी। चटनी बता दीजिएगा कैसे ब्रदर। नान चाहिए, नान। इन्होंने तो थैंक यू भाई, चटनी ऐसी दे दूँ? ऐसी बेटा, ये देखे ना, ये सारे रिकॉर्ड कर ले, ये रिकॉर्ड पे होना चाहिए कि कैसे कैसे मछली खा रहे सब। ले जी सर, ये ले। थैंक यू यार, वाह वाह। चले और जो लाहौर से बाहर से हमें देख रहे हैं, यकीनन पूरे पाकिस्तान में और कुछ लोग पाकिस्तान बाहर से भी हमारे चैनल्स को देखते हैं। हारिस का चैनल है मेरा पाकिस्तान, मेरे चैनल का नाम है फरा इकरार, ये राशिद की दुनिया। तो जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं आप, जब भी लाहौर आए ये मछली आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और तो खाने बहुत हैं पाकिस्तान में, ये ज़रूर ट्राई करनी है। बशीर की मछली सर, आखिर इधर बाहर से लोग आए खा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी है। आप बैठ जाओ ब्रदर। बस जी अब हमारे कैमरा पर्सन आप भी आ जाएं और ज्वाइन करें हमें। आ जाएं खाएं आप।